कहते हैं कौरांगर दुटीपदे हां दुटीपद अबनिर कौरांगर दुटीपद चार धन धन संपद से जाने साल को कौन समझ सकता है जिन्होंने श्री महाप्रभु का चरण को जीवन का सर्वस्व जो माने हैं कहते गौरव प्रेम रसार नवे से तरंग के बाद हुए महाप्रभु का भक्ति रस समुद्र एक बार गोता लगा लेना वाह से राधा माधव अंतर कृष्ण प्रेम में प्रकट हो जाओ इसे गुरुदेव कहते थे यहाँ पर निर्दया घाट है जहाँ पर महाप्रभु हृदय वध करके जहाँ गंगा पार करते हुए उन्होंने संन्यास लेने गए थे गुरुदेव कहते थे यहाँ पर आप गोता लगाओ गोता लगाओगे तो यहीं पर गंगा में क्योंकि जब निकलोगे ना निकलोगे वृंदावन की कैसी घाट गंगा जमुना की कैसी घाट पर निकलोगे प्रेम प्राप्ति हो जाएगी इसलिए कहते हैं सबसे सरल उपाय इसलिए आप लोग बड़े सौभाग्यवान हैं ये शंकर स्वयं कहते पार्वती अरे पार्वती साधारण भाग्य से नवती धाम कोई आ ही नहीं सकता है कोई भक्ति उनको भी कोई सुकृति हो तभी कोई आ सकते हैं एकादश स्कंध में बताए सत्य युग को कृत युग माना जाते हैं क्यों धर्म चार चरण में रहता था तृतीय युग को क्या कहते राम राज्य मतलब क्या उसी देश में कोई आध्यात्मिक आदि दैवी आदि भौतिक कोई दुख कष्ट नहीं था राम राज्य सबसे अयोध्या जहाँ पर युद्ध नहीं अवध जहाँ पर कोई बध नहीं ऐसे अयोध्या धाम ऐसे राम राज्य द्वापर युग में स्वयं पूर्ण ब्रह्म कृष्ण स्वयं जन्म ग्रहण किए धर्म जहाँ चार चरण में रहता था लेकिन सत्य तृतीया द्वापर युग का जो बड़े बड़े साधु लोग बड़े बड़े महाभागवत लोग भी कलयुग में श्रीमान महाप्रभु की धारा में कलयुग में जन्म लेना चाहते हैं ये कलयुग में कोई भी जन्म लेना नहीं चाहते बोले क्यों कलह युग है लड़ाई झगड़ा शांति कोई भी जन्म लेना नहीं चाहते हैं लेकिन इसी कलयुग में हैं इसी कलयुग में ये बड़े बड़े देवता लोग भी बड़े बड़े महाभागवत लोग भी कलयुग में जन्म लेकर के महाप्रभु की धारा में अभिषिक्त होना चाहते हैं हमारा महाप्रभु की धारा में आना चाहते हैं इसलिए आप लोग जो कंठी माला तिलक पहने ना आप लोग ये भागवत कह रहे हैं आप लोग कोई साधारण नहीं आप लोग कोई सत्य त्रेता या द्वापर युग में आए हो हैं ये देवता लोग भी जन्म लेना चाहते हैं आप लोग देवता सभी बड़े हो जो कंठी माला तिलक पहन करके महाप्रभु की धारा में आए भागवत कहते हैं आप लोग भी ये देवताओं से बड़े हैं और बड़े बड़े महापुरुष महाभागवत लोग भी ये कलयुग में आकर के महाप्रभु की धारा में अभिषिक्त होकर के महाप्रभु भजन करना चाहते हैं इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर के कारण कहते हैं कारण कहते हैं अगर कोई महाप्रभु की धारा में अगर कोई भक्ति करेगा ना उनको जब स्वरूप सिद्धि होगी जब उनकी वस्तु सिद्धि होगी जब भगवत प्राप्ति करेंगे बोले एक साथ में महाप्रभु का धाम में जाएंगे एक साथ में कृष्ण धाम में जाएंगे हैं एक साथ में जैसे रूप गोस्वामी कहते श्री महाप्रभु लीला रूप मंजिल लगभग मंजिल सनातन गोस्वामी महाप्रभु और लगभग मंजिल रूप है कहते श्री कृष्ण लीला में स्वरूप दामोदर महाप्रभु का लीला कहते कृष्ण लीला में कहते ये ललिता सखी है इसलिए कहते एक साथ में आपको जब वस्तु सिद्धि होगी भगवत प्राप्ति करोगे एक साथ में आप दो धाम में जाओगे सौभाग्य किसको प्राप्त होता है केवल महाप्रभु की धारा में जो आए हैं इसलिए कलयुग को साधारण कलयुग नहीं ये धन्य कलयुग है कौन सा कलयुग है धन्य कलयुग है इसलिए आप लोग बड़े सौभाग्यवान जो नवद्वीप धाम में आए और महाप्रभु की धारा में आप लोगों ने अभिषिक्त हुए ठीक है इसलिए कल से हमारे संकल्प होगा लोग संकल्प करने जाएंगे जैसे हमारे परिक्रमा सिस्टर रूप में हो हम संकल्प करने जाएंगे कल और उसके बाद में हम लोग कल है ना अंबिका काल ना और शांतिपुर जाएंगे जैसे संकल्प करके जब हम आ जाएंगे आप लोग थोड़ा यहाँ पर खिचड़ी खा लेना ठीक खिचड़ी खा करके इधर ये बस खड़ी रहेगी यहीं पर तीन चार बस खड़ी रहेगी अच्छी बस है खड़ी रहेगी हम लोग
प्रसाद पा करके तुम झटापट जाकर जो आगे आएगा हम चार बस किया है, जो आगे आएगा वही बैठ सकता है, मतलब लेट आएगा पता नहीं क्या होगा, इसलिए जो आगे जल्दी जल्दी आएंगे हम लोग सबसे पहले हम प्लेट में जाएंगे, हम जाएंगे अंबिका कालना। अंबिका कालना वो स्थान है जहाँ पर श्री गोविदास पंडित महाप्रभु नित्यानंद प्रभु हैं, तब वहाँ की कथा हम सुनेंगे। ऐसे महाप्रभु जो विग्रह साक्षात भगवान है, उनको जो मूर्ति बनाए और लकड़ी का मूर्ति कैसे चलना शुरू कर दिया, लकड़ी का मूर्ति कैसे चलना शुरू कर दिया, अद्भुत है। यदि उनको दर्शन करने से महाप्रभु का समय से विग्रह है, इनको दर्शन करने से हम तो देखा नहीं महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के शब्द देखा नहीं, लेकिन उनको दर्शन करने से महाप्रभु नित्यानंद प्रभु दर्शन करने का फल प्राप्त होता है। वहाँ पर जाएंगे उसको पास में, फिर जाएंगे शांतिपुर जहाँ पर श्री अद्वैत आचार्य का जहाँ पर स्थान है, जहाँ पर महाप्रभु नित्यानंद प्रभु बैठी करके है कैसे प्रचार प्रसार करेंगे, कैसे उन लोगों ने आपस आपस में डिस्कशन किया, उस पर स्थान में जाएंगे। इसलिए जो जाना चाहते हो एकदम संकल्प के बाद में जल्दी जल्दी आकर के थोड़ी सी भोजन लेकर के चले जाना, कोशिश करेंगे 3-4 बजे यहाँ जैसे हम वापस आ जाए शाम को, फिर परसों दिन से फिर हम हमारी परिक्रमा शुरू हुई। इसलिए हमारे बीच में दो महाभागवत लोग आए, वैष्णव आए हैं, गुरुदेव का रत्न है, गुरुदेव ने कृपा करके गुरुदेव बोले मैं तो जा रहा हूँ और बहुत सारे नारायण महाराज को मैं रख करके जा रहा हूँ, एक नारायण महाराज नहीं बहुत सारे श्री राजेश प्रभु की जय, इसलिए मैं बहुत सारे नारायण महाराज को रख करके भी जा रहा हूँ। इसलिए कहते जो बेटा कौन होता है, पुत्रवत आत्मवत जायते पुत्र, जो पुत्र होता है पिताजी की बराबर होता है। इसलिए सचमुच से हमारे गुरु जी बहुत सारे रत्नों को छोड़ कर गए हैं, ठीक है गुरु जी, और अब काम से उसे चल रहा है। राजेश प्रभु की जय। हाँ ये प्रभु जी हमारे गुरु जी का समय से ना गुरु जी ने आदर्श लेकर गए हैं, यहाँ पर कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, इसलिए प्रभु जी उसमें खड़े रहते और उनकी कृपा से बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा यहाँ पर नहीं होता है, सब आशीर्वाद देता है। हरे कृष्ण जी, कौन कौन बोलेंगे हरे कृष्णा। देखो यहाँ पर प्रसाद की व्यवस्था मंदिर का तरफ से, प्रसाद जो हमारे हिंदी भाषी भक्तों के इनके लिए अलग प्रसाद बनता है, क्योंकि सभी के लिए जो प्रसाद बन रही है हमारी बंगाली भक्तों के लिए प्रसाद बनता है। इसलिए यहाँ पर हमारे जो भक्त लोग है इसलिए आपके लिए अलग स्पेशल प्रसाद बनता है, आप लोग इसलिए आपके लिए प्रसाद यहाँ बनता है। यहाँ पर कूपन मिल रहा है, आप लोग बगर कूपन के अंदर में फिर दोपहर तक गए लेकिन अभी बगर कूपन के अंदर में नहीं जा सकते, इसलिए आप लोग कूपन ले लेना, लेकिन कोई ज़्यादा पैसा नहीं, केवल 1200 रुपया है, 9 दिन का प्रसाद है। बाहर एक बार एक प्लेट भी खा लेते ना सब 200 रुपया चल जाती है, लेकिन ये 9 दिन का प्रसाद और 3 दिन बार प्रसाद आपको मिलेगा, कितना बार 3 दिन बार प्रसाद मिलेगा, केवल 1200 रुपया, कोई ज़्यादा पैसा है नहीं इसके, ना कोई ज़्यादा पैसा नहीं है, केवल 1200 रुपया। आज आप लोग ने सबके सब कूपन ले जाना, कूपन ले करके फिर अंदर में आपको प्रवेश मिलेगा, इसलिए सबके सब आज कूपन ले करके प्रसाद। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय स्तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय नमो नमो विष्णुपादाय शिरोपरघुनाथ पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी दिनामिने पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ इन छह गोसाई करि चरण वंदन। जा हैते विघ्ननाश अभीष्ट पूरन आज अनुलंबित भुजौ कंकावधातो संकीर्तने कपितरौ कमलायताक्षौ विश्वं धरौ तेजवरौ इन्द्रभरणौ कालौ
वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला परमेश्वर विष्णुपाद अष्टोत्कर्ष शिष्यमत भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर नित्य लीला परमेश्वर विष्णुपाद अष्टोत्कर्ष शिष्यमत भक्ति विज्ञान श्री भारती गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडत प्रणाम। समस्त रूपानु गुरु परंपरा के श्री चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडत प्रणाम। सपार से सपरी का श्री प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जय प्रणाम। सपार से सपरी का श्री गौर नित्यानंद प्रभु जय प्रणाम। उपस्थित पूज्य पाठ श्री भक्ति विदान श्रीधर महाराज जी के चरणों में मेरा दंडत प्रणाम। श्री बाग विजय कृष्ण प्रभु वैष्णव वैष्णवी सबके चरणों में मेरा जथा योग्य दंडत प्रणाम। हम लोग अभी पूज्यपाद महाराज जी के श्रीमुख से श्री नवदीप धाम की महिमा और जो नवदीप धाम में उपस्थित हो गए हैं पूर्व पूर्व जन्मों के संस्कार के कारण उनका जो सौभाग्य है उसके विषय में हम लोगों ने सुना। हम लोगों ने ये भी सुना उद्धव जी जो साक्षात वृष्णि वंश प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयिता सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात उद्धव बुद्धि सप्तमा जो वृष्णि वंश के बड़े प्रवरो मंत्री हैं साक्षात बृहस्पति जी के शिष्य हैं जो उद्धव जी और कृष्णस्य दयिता सखा कृष्ण के बड़े प्रिय सखा हैं वो उद्धव जी जब ब्रज में जाते हैं इस बात को समझना है। केवल शब्दों से सुन लिया कि नवदीप धाम की बड़ी महिमा है और हमारा बड़ा सौभाग्य हम नवदीप धाम में उपस्थित हो गए इतने से नहीं होगा। इस विषय की उपलब्धि करनी होगी और उपलब्धि होगी कैसे वो कान के माध्यम से होगी। इसलिए बहुत ध्यान पूर्वक सुनना इन सब विचारों को ऐसा सुयोग बार बार नहीं मिलेगा बहुत ध्यान पूर्वक सुनना। तो हमारे गुरु महाराज जी जिनकी श्री विग्रह का जिनकी समाधि का भी हम लोग दर्शन कर पा रहे हैं अद्भुत ये स्थान है नवदीप धाम में भी ये स्थान क्या है ये कोल दीप है अपराध भंजन पाठ और उसमें भी ये स्थान साक्षात श्री गिरिराज गोवर्धन है निकट में ही राधा कुंड श्याम कुंड है हम लोग जाएंगे वहां एक दिन परिक्रमा में। इसी श्री राधा कुंड श्याम कुंड में के तट पर गिरिराज गोवर्धन की तलहटी में गुरु महाराज जी यहाँ पर विराजमान है और हम लोग जो कुछ कह रहे हैं जो कुछ सुन रहे हैं वो केवल और केवल गुरु महाराज जी की कृपा है। ये गुरु महाराज जी के शब्द हैं जिनको हम लोग दोहरा रहे हैं। इसलिए सर्वप्रथम श्री गुरुपाद पद्म के चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन है कोटि कोटि वंदना। यदि गुरु महाराज जी इस पद को नहीं दिखलाते हम में से कौन यहाँ पर उपस्थित होता। इसलिए सब विचारों का संपूर्ण श्रेय सर्वाधिक सर्वप्रथम मध्य में और अंत में एकमात्र गुरुपाद पद्म को ही है। इन महापुरुष ने बड़ी कृपा करके असंख्य जीवों को अपने भजन आदर्श से अपने आदर्श चरित्र से अपनी अमृतमय हरि कथा से ब्रज भाव से परिपूर्ण हरि कथा से और बड़े सिद्धांत का परिवेशन करके असंख्य जीवों को इन्होंने अपने आदर्श पूत चरित्र के द्वारा इस भगवत भक्ति के मार्ग में गुरु महाराज जी ने आकर्षित किया है। हम सब लोग बड़े सौभाग्यवान हैं कि गुरु महाराज जी की कृपा से हम लोग इस स्थान पर बैठकर ऐसे दिव्य स्थान पर ये नवदीप धाम जिसके विषय में श्री वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं नवदीप हैनो ग्राम त्रिभुवन नाई जहीं अवतीर्ण होइलो चैतन्य गोसाई। अरे ये नवदीप धाम जैसा स्थान त्रिभुवन में नहीं है नवदीप जैसा स्थान त्रिभुवन में नहीं है जहाँ पर साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने जन्म ग्रहण किया। ऐसे दिव्य स्थान पर हम लोग विशेष रूप से श्री गुरु पाद पद्म की इस समाधि सम्यक रूपे नदी जहाँ गुरु महाराज जी बड़े अपने समाधि में अपने नित्य उपास्य की सेवा में संलग्न है नित्य रत है ऐसे दिव्य स्थान पर बैठने का महाप्रभु जी के दिव्य भावों को विचारों को सुनने कहने का हमको सुअवसर मिल रहा है। ये एकमात्र गुरु महाराज जी की कृपा से ही संभव है। हमने तो महाप्रभु जी का दर्शन नहीं किया कब कर पाएंगे आशा तो है गुरु महाराज जी जब मिले अवश्य होगा
हम कृष्ण के दर्शन श्रीमती राधिका के दर्शन अवश्य होंगे, क्यों नहीं होंगे, ऐसी आशा तो बलवती है। क्यों? क्योंकि उनके ही एक नित्य परिकर, उनके ही एक कुटुंब के बीच में से गुरु महाराज जी ने आकर के हमको ये आशा प्रदान की है, भरोसा प्रदान किया। उन्होंने कहा इस बात को मैं लेकर जाऊंगा तुमको, गुरु महाराज जी क्या कहते हैं, मैं लेकर जाऊंगा तुमको वहां तक, स्पष्ट रूप में कहा उन्होंने, यदि तुम ठीक ठीक रूप में मेरे बतलाए मार्ग का अनुसरण करो, मेरे दिखलाए मार्ग पर चलो, मैं लेकर जाऊंगा तुमको। इतनी बड़ी आशा, इतना बड़ा भरोसा क्या कोई जागतिक पुरुष दे सकता है? इसी से अनुभव होता है गुरु महाराज जी श्री चैतन्य महाप्रभु के कुटुंब से, श्रीमती राधिका के कुटुंब से गुरु महाराज जी इस जगत में आए, इसलिए हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं। इसलिए संपूर्ण श्रेय इन सब विचारों को सुनने कहने का गुरु महाराज जी को है। उन्होंने अपनी अनुभूति संपन्न हरि कथा इतनी श्रवण कराई है, इतनी श्रवण कराई है कि उसका एक छीटा कुटा कुछ लेकर के आज हम लोग उन्हीं के चरवित चरण को करके सेवा कर पा रहे हैं, इसी प्रकार से सेवा कर सके निष्कपट भाव से, यही श्री गुरु चरणों में हमारी प्रार्थना है। इसलिए सर्वप्रथम बड़े हृदय से, औपचारिकता नहीं, बड़े हृदय के साथ में हम लोग श्री गुरु पादपद्म के चरणों में कोटि कोटि नमन अर्पण करें, कोटि कोटि श्रद्धांजलि अर्पण करें। श्री भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी गुरु महाराज की जय। पद्म के चरणों में हमारी समस्त आशा, समस्त भरोसा, उनके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन। हम लोग आज गुरु महाराज जी की समाधि पर गुरु महाराज जी के विचारों को परिवेशन करना आरंभ कर रहे हैं। हम लोग सुन रहे थे ये ब्रज धाम की कितनी महिमा है, इस ब्रज प्रेम की कितनी महिमा है, उद्धव जी कितना उनका वैशिष्ट है, उद्धव जी का श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने टीका में बड़ा वैशिष्ट बतलाया उद्धव जी का। ये उद्धव जी कौन है? वृष्णि वंश प्रवरो मंत्री कृष्ण से दयिता सखा, ये कृष्ण के बड़े प्रिय सखा। सुनना बात को बड़े ध्यान से, कान को मन को इधर दे देना, ये हम नहीं कह रहे हैं, हम तो केवल दोहरा रहे हैं, विचार गुरु जी के हैं। और जब 7 दिन सुन कर के जाएंगे ना, तब अगले वर्ष जब आएंगे और अधिक उत्साह आ जाएगा। कैसी 10-10 भक्तों को लेकर ऐसा गुरु महाराज जी कहते थे 10-10 भक्तों को लेकर के आना, किंतु कब लाएंगे? जब हम सुनेंगे जब हमको उपलब्धि होगी तभी तो लेकर आएंगे। तो इसलिए पहले स्वयं उपलब्धि हो, उपलब्धि करने का समय उपस्थित हुआ, इसलिए सुनेंगे ध्यान पूर्वक। उद्धव जी की बात हम लोग सुन रहे हैं, कितनी महिमा उद्धव जी की कही है, कृष्ण के बड़े प्रिय सखा हैं और इस ब्रज प्रेम को कुछ समझ सकते हैं, इसलिए कृष्ण ने उनको ब्रज में भेजा। जाओ, और एक विशेष कारण से भेजा, क्यों? अरे बृहस्पति जी कौन है? देवताओं के गुरु। उन्होंने उद्धव जी को समस्त शास्त्र पढ़ाए, किंतु एक शास्त्र में बृहस्पति जी का स्वयं ही अधिकार नहीं, उद्धव जी को क्या पढ़ाएंगे? वो शास्त्र क्या है? ब्रज प्रेम रूपी शास्त्र। इसलिए भेजा, जाओ अनुभव करके आओ ये ब्रज प्रेम क्या है। उद्धव जी गए ब्रज में और क्या दशा हो गई, जाकर के जब ब्रज गोपियों के भावों को देखा, दर्शन किया, तो क्या कहते हैं ब्रज गोपियों के चरणों में, वंदे नंद ब्रज स्त्री नाम पाद रेणु अभिक्षणश ज्ञासाम हरि कथोदगीत पुनादि भुवंतरयम हरे। मैं तो इन ब्रज गोपियों की, विशेषकर श्रीमती राधिका के चरणों की एक धूल की वांछा करता हूँ, इनके भावों को तो, इनके विचारों का दर्शन करके, स्पर्श करके त्रिभुवन पवित्र हो सकता है। ये कौन कह रहा है, समझना विषय को, कौन कह रहा है? उद्धव जी कह रहे हैं। ब्रह्मा जी गए ब्रज में, क्या दशा हो गई? कृष्ण के प्रति अपराध कर दिया ब्रह्मा जी ने, किया ना, क्या दशा हो गई? ब्रह्म स्तुति कहनी पड़ी, और कृष्ण की स्तुति कर रहे, कृष्ण उनकी ओर देख भी नहीं रहे, और कृष्ण के सखा जो हैं वो चौमुआ कहकर ब्रह्मा जी को चिढ़ा रहे हैं। ये ब्रह्मा जी सृष्टि करता, उनकी ब्रज में ऐसी दशा हो गई। वो ब्रह्मा जी क्या प्रार्थना कर रहे हैं? तदस्तु मेना सा भूरि भागो, हमको कोई पत्थर बना दो इस ब्रज का, हमको ब्रज का पत्थर बना दो। ये नहीं कह रहे हमको ब्रज प्रेम दे दो, जानते हैं मिलेगा ही नहीं, अधिकार नहीं है। ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? हमको पत्थर बना दो। उद्धव जी क्या कह रहे हैं? आशा महो चरण रेणु जुशाम श्याम वृंदावने किम अभी गुणमलतोष दीना, हमको कोई झाड़ी बना दो, कोई गुणमलता दो बना दो, कोई घास कोई पत्ता बना दो। ब्रज प्रेम नहीं मांग रहे, समझना बात को, कितनी गहरी ये बात है। ब्रज प्रेम नहीं मांग रहे हैं, जानते मिलेगा नहीं, अधिकार नहीं है उस ब्रज प्रेम में, अधिकार नहीं है। शिवजी जी ब्रज में आए, क्या दशा हो गई? इच्छा हुई। अब ये नीचे के देवताओं की बात नहीं हो रही है, ये वो है जो देवताओं में श्रेष्ठ है, ये वो है
जो देवताओं में श्रेष्ठ है, उद्धव जी साक्षात कृष्ण के प्रिय सखा, ब्रह्मा जी सृष्टि करता, शिवजी जी संहार करता, वो ब्रज में गए, गोपी प्रेम का आस्वादन करने की इच्छा हो गई। और सुना ना, अभी सुन रहे थे हम लोग, क्या दशा हो गई। और मासी जी ने कृपा करके गोपी देह तो दे दी, किंतु जब रास में प्रवेश किया तो क्या हो गया, क्या हुआ, गोपियों ने देखा रे तो रस भंग हो रहा है, तो पकड़ लिया शिवजी जी को, वो गोपी बने हुए थे और खूब उनको कुंचे लगाए, और शिवजी जी क्रंदन कर रहे हैं ब्रज में जाकर, ब्रज प्रेम लोग। और कृष्ण देखो कितने चतुर हैं, हमारे गुरु जी कहते थे कृष्ण कितने चतुर हैं, कृष्ण ने शिवजी जी पर बड़ी कृपा की, क्या कृपा की, शिवजी जी को क्या कह दिया, आपकी कृपा के बिना किसी को ब्रज में प्रवेश नहीं मिलेगा, विशेषकर रास में प्रवेश नहीं मिलेगा, आप चौकीदार हो, आपकी कृपा के बिना किसी को रास में प्रवेश नहीं मिलेगा, किंतु आपको भी नहीं मिलेगा, बाहर खड़े होकर चौकीदारी करो, बाहर खड़े होकर चौकीदारी करो, इतने चतुर है कृष्ण, आपकी कृपा के बिना किंतु किसी को रास में प्रवेश नहीं मिलेगा, हमको मिलेगा नहीं, आप तो चौकीदार हो ना, आपको तो चौकीदारी करनी होगी, आप भीतर में प्रवेश कर जाओगे तो चौकीदार कौन करेगा, चौकीदारी कौन करेगा, कृष्ण चतुर, हमारे गुरु जी कहते थे। तो ये शिव जी की दशा है, ये ब्रह्मा जी की दशा है, उद्धव जी की दशा है, और किसी देवी देवता का नाम क्या ले, और किसी देवी देवता का तो हम क्या नाम ले, और ऐसा प्रेम जो है इतना दुर्लभ, जो ये ब्रज प्रेम है, समझ में आई बात, जो ये इतना दुर्लभ ब्रज प्रेम है, जिसके लिए शिव जी चौकीदारी कर रहे हैं, ब्रह्मा जी पत्थर बन रहे हैं, लक्ष्मी जी आज तक तपस्या कर रही है, श्रीला प्रभुपाद जी कहते थे उनको रास में कभी प्रवेश मिलेगा कि नहीं मिलेगा हमको संदेह है, आज तक भी इतनी कठोर तपस्या कर रही है, एक बेल फल खाकर अभी भी ध्यान में मग्न है, नहीं मिल रहा, जो लक्ष्मी साक्षात नारायण के वक्ष तल पर रहने वाली, उनको नहीं मिल रहा ये ब्रज प्रेम, ये गोपी प्रेम, किंतु इतना दुर्लभ जो ये ब्रज प्रेम, ये गोपी प्रेम है, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, है नो प्रेम श्री चैतन्य दिलो जथा तथा, सुनना बात को, इतना जो ये दुर्लभ ब्रज प्रेम है, अभी इसको कहने जाएंगे ना, इतना विस्तार है इसका, पहले तो वस्तु की गरिमा को समझे, कितनी दुर्लभ वस्तु दी है महाप्रभु जी ने, पहले तो उसकी गरिमा को हम समझे, तब जान पाएंगे कितनी वस्तु, कितनी गरिष्ठ, कितनी गुरुत्वपूर्ण वस्तु महाप्रभु जी ने दी है। तो श्री कविराज गोस्वामी कहते इतना गुरुत्वपूर्ण है नो प्रेम, ऐसा प्रेम है नो प्रेम, अर्थात ऐसा प्रेम जिसके लिए उद्धव जी, ब्रह्मा जी, शिव जी लाइन लगाकर खड़े हैं, किंतु चौकीदारी कर रहे, मिल नहीं सकता, केवल गुरु से दर्शन करते हैं, छीटा फूटा रास हो रहा है, देवता लोग केवल ऊपर से दर्शन कर सकते हैं, रास के निकट में नहीं जा सकते, ये इतनी दुर्लभ वस्तु है नो प्रेम श्री चैतन्य दिलो जथा तथा, ऐसा दुर्लभ प्रेम श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने जथा तथा दिया। और कविराज गोस्वामी कहते जगाई मधाई प्रदंत अन्य का कथा, अरे जगाई मधाई तक को दे दिया, दूसरों की क्या बात कहें, जगाई मधाई तक को दे दिया, दूसरों की क्या बात कहें, ये श्री चैतन्य महाप्रभु जी के अवतार का वैशिष्ट है। यदि श्री चैतन्य महाप्रभु जी जगत में आविर्भूत नहीं होते, इतना दुर्लभ जो ये ब्रज प्रेम है, जो ये गोपी प्रेम है, कैसे जगत जीवों को इसका अनुसंधान मिलता। कृष्ण बड़े दयालु हैं, है ना कृष्ण दयालु, कितने दयालु कृष्ण, कृष्ण का एक गुण है मदान्य, बड़े दयालु है कृष्ण। श्री रूप गोस्वामी पाद उनके विषय में कहते हैं, संतावतारा भगवा पंकज नाम हस्त सर्वतो भद्रा कृष्णा धन्य गोवा लता स्वपी प्रेम दो भवती। अरे कृष्ण इतने दयालु है, कृष्ण इतने दयालु हैं, वो तो लता पता सबको ब्रज प्रेम देने वाले हैं, कृष्ण सबको ब्रज प्रेम देते, इतने दयालु कृष्ण हैं, किंतु गुरुजी कहते थे किसको दिया वो ब्रज प्रेम उन्होंने, किसको दिया उन्होंने वो ब्रज प्रेम, केवल नित्य सिद्ध परिकरों को, केवल ब्रजवासियों के साथ में आस्वादन किया। तो हमारे गुरु महाराज जी कहते थे हम जगत जीवों को दिया, दूर से सारा जगत लार टपका रहा है, कृष्ण आस्वादन कर रहे हैं किसके साथ में, ब्रजवासियों के साथ में, किंतु जो साधारण जगत जीव है वो लार टपका रहे, बड़े बड़े देवता लोग लार टपका रहे, किंतु कृष्ण ने आस्वादन तो किया, उसका छीटा फूटा भी नहीं दिया जगत जीवों को, बड़े दयालु हैं यद्यपि कृष्ण, किंतु गुरु महाराज जी कहते थे श्री चैतन्य महाप्रभु कितने दयालु हैं, श्री चैतन्य देव कितने दयालु हैं, कृष्ण ने स्वयं आस्वादन किया, आस्वादन कराया केवल ब्रजवासियों को, हम जगत जीवों को नहीं दिया, किंतु चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब वो कृष्ण आते हैं उनकी दया कितनी अधिक विस्तृत हो जाती है। श्री कविराज गोस्वामी कहते हैं सुनना बात को, बड़ी हृदय स्पर्शी बात है, कविराज गोस्वामी कहते हैं आप भी करें आस्वादन है, सिखाई लो भक्तगणे प्रेम चिंतामणि प्रभु धरी, ना ही जाने स्थान स्थान जा रहे तारे कहियो दान,
महाप्रभु दाता शिरोमणि। क्या बतला रहे महाप्रभु जी को, कैसे महाप्रभु जी दाता शिरोमणि, महाप्रभु जी कैसे हैं समस्त दाताओं में शिरोमणि। इसलिए रूप गोस्वामी पाजी ने उनको क्या कहा, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। अरे ये कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाले श्री चैतन्य महाप्रभु जो महावदान्य है उनको मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। तो गुरु जी कहते थे ये महाप्रभु जी की दया है, आप नहीं करे आस्वादन है, कृष्ण ने केवल स्वयं आस्वादन किया दूसरों को नहीं दिया, किंतु महाप्रभु जी कितने दयालु हैं, आप नहीं करे आस्वादन है, सिखाई लो भक्तगण, भक्तों को भी सिखाया कैसे इस ब्रज प्रेम का तुम आस्वादन कर सकते हो, भक्तों को भी सिखाया प्रेम चिंता मणि प्रभु धनी, महाप्रभु साक्षात कैसे हैं प्रेम रूपी चिंता मणि के धनी, ना ही जाने स्थान स्थान कोई विचार नहीं किया, यहाँ देना है यहाँ नहीं देना, जारे तारे कई लो दान ये भी विचार नहीं किया, इसको देना है इसको नहीं देना, महाप्रभु दाता शिरोमणि, महाप्रभु जी क्या है दाता शिरोमणि। इसलिए कविराज गोस्वामी कहते हैं एछे गुप्त भाव सिंधु ब्रह्मा ना पाए एक बिंदु, है नो धन बिलाई लो संसारी, एछे दयालु अवतार एछे दाता नाही यार गुण के हो नारे वर्णी वारे। अरे एछे गुप्त भाव सिंधु, इतना गुप्त भाव है ये ब्रज भाव ये गोपी प्रेम, ब्रह्मा ना पाए एक बिंदु, ब्रह्मा जी को भी इसकी एक बूंद भी नहीं मिली, आस्वादन करना तो छोड़ दो एक बूंद भी नहीं मिली, है नो धन बिलाई लो संसारे, महाप्रभु ने ऐसा धन ऐसा जो ब्रज प्रेम है बिलाई लो, समझते हैं ऐसे हाथ में भर भर के फेंकना, इसको कहते बिलाई लो चिटकाना चारों ओर, है नो धन इतना दुर्लभ धन जो ये ब्रज प्रेम बिलाई लो संसारे, एछे दयालु अवतार अरे ऐसा दयालु अवतार, एछे दाता नहीं यार ऐसा दाता कोई हुआ, गुण के हो नारे वर्णी मारे, अरे महाप्रभु जी के गुणों का कौन वर्णन कर सकता है, महाप्रभु के गुणों का वर्णन करने में कौन सक्षम है, ऐसा दयालु अवतार कोई हुआ, ये महाप्रभु जी की दया है, ये महाप्रभु जी की महावदान्यता है। इसलिए कृष्ण का गुण है वदान्य, किंतु महाप्रभु जी कौन है वो महा महावदान्य है, महाप्रभु जी महावदान्य है, किंतु श्रीला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर एक और बात कहते थे, महाप्रभु जी महावदान्य है किंतु महाप्रभु जी के जो भक्त हैं, महाप्रभु जी के जो भक्त हैं वो कौन है, वो महा महावदान्य है। जैसे कृष्ण का प्रसाद महाप्रसाद, उनके भक्तों का प्रसाद क्या है वो महा महाप्रसाद है। इसलिए महाप्रभु जी कृष्ण वदान्य है, महाप्रभु जी महावदान्य है, और महाप्रभु जी के जो भक्त है वो कौन है, वो महावदान्य महा महावदान्य है, वही महा महावदान्यता की एक मूर्ति साक्षात हमारे गुरुपाद पद में, गुरुपाद पद ने संपूर्ण जगत में इन सब विचारों से, संपूर्ण जगत के जीवों को इन सब विचारों से अवगत कराया। गुरु महाराज जी का ये बड़ा विशेष वैशिष्ट्य था, जिस स्थान पर भी वो गए, जिस किसी के साथ भी उनका संपर्क हुआ, चाहे छोटे से छोटा बालक हो चाहे श्रेष्ठ विद्वान हो, गुरु महाराज जी की ब्रज भाव से परिपूर्ण हरि कथा ने सबके हृदय में इस ब्रज भक्ति का बीजारोपण किया, ये गुरु महाराज जी के प्रचार का आचार का बड़ा ही विशेष वैशिष्ट्य था। हम एक कथा को सब समय सुनते हैं, मथुरा में एक छोटी सी बच्ची, किंतु इन बातों को बार बार सुनना, ये गुरु जी का वैशिष्ट्य था, ये गुरु जी की महा महावदान्यता है। उन्होंने बीजारोपण किया, ये श्रीमती राधिका का पाल्यदासी भाव जो है, ये राधा जी की जो भक्ति है, इसका किसने बीजारोपण किया, एक एक हृदय में, ऐसा नहीं एक एक हृदय में, जिस किसी प्रकार से भी कोई गुरु महाराज जी के संपर्क में आया, कहीं ना कहीं उनके जीवन में उनके भजन साधन में इस ब्रज भक्ति की छाप अवश्य दिखलाई देगी। ये गुरु पादपद की महा महावदान्यता का परिचय है, ये गुरु महाराज जी की ब्रज भक्ति से परिपूर्ण हरिकथा का परिचय है। एक छोटी सी बच्ची मथुरा की, और गुरु महाराज जी उससे पूछ रहे हास परिहास करते हुए, बोलो क्या चाहिए, जो मांगो वो दे दे, गुरु जी उससे कहते बोलो क्या चाहिए जो मांगो वो दे दे। तो छोटी सी बच्ची मथुरा की है, उसने बड़े प्रीति पूर्वक उत्तर दिया, दो क्षण सोचने के पश्चात, हमको और कुछ भी नहीं चाहिए, हमको राधा जी की दासी बना दो, बड़े सरल रूप में उत्तर दे दिया। ये संभव है एक 5-6 वर्ष की छोटी सी बालिका के मुख से ये बात निकल जाए, जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु जी कवि करणपुर जी छोटे से बच्चे थे, महाप्रभु जी ने उनके मुख में अपना अंगूठा दे दिया, तो कवि करणपुर जी महाप्रभु जी का अंगूठा चूस रहे हैं, और उसके फल से क्या लिख दिया, आनंद वृंदावन चंपू एक ग्रंथ लिख दिया, वृंदावन के आनंद का ही वर्णन कर दिया। ऐसे ही ये महाप्रभु जी का वैशिष्ट है, यही गुरु पाद पद्म का वैशिष्ट है। छोटे से छोटा बालक, जो लोग शौच अशौच का विचार भी नहीं जानते थे, साधन का सा भक्ति का भाव नहीं सुना था, उनको भी गुरु महाराज जी ने सर्वोत्तम लक्ष्य है, ये श्रीमती राधिका का पाल्यदासी भाव, ये श्रीमती राधिका की भक्ति, ये ब्रज भक्ति जो है, इसका संपूर्ण जगत में गुरु पाद पद्म ने प्रचार किया। इसलिए वो इस बात को कहते भी थे कि हम संपूर्ण जगत में जाते हैं,
गुरु महाराज जी कहते थे इस बात को, हम संपूर्ण जगत में जाते हैं, हम प्रहलाद शिक्षा कहते हैं, हम ध्रुव चरित्र कहते हैं, वृत्तासुर का चरित्र कहते हैं, किंतु हम उस सब के बीच में इस रागानुगा भक्ति की बात अवश्य ही कहते हैं, स्वरूपानुगा भक्ति की बात अवश्य कहते हैं, इस ब्रज भक्ति की बात हम अवश्य कहते हैं। क्यों? कहीं ये ब्रज भक्ति जगत से लुप्त ना हो जाए। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने बड़े विशेष रूप से शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर ने बड़े विशेष रूप से गुरु महाराज जी को चुना, गुरु महाराज जी को चुना उन्होंने, उनके ऊपर ये दायित्व दिया संपूर्ण जगत में इस ब्रज भक्ति का, ब्रज भक्ति में भी ब्रज गोपियों की भक्ति, उसका संपूर्ण जगत में, उसमें भी श्रीमती राधिका उनके चरणों का जो अनुराग है, जिसको शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने प्रकट लीला के अंतिम समय में कहकर जा रहे हैं, ये बड़े गंभीर विचार है, इनको हमको समझना है, सुनना है। प्रभुपाद जी अपने अमरकट लीला प्रकाशित करने से पहले कह रहे हैं इस बात को, क्या कह रहे हैं? मधुर रस में नित्य रुचि विशिष्टा होकर, जो ये मधुर रस है ना श्रृंगार रस, इसमें नित्य रुचि विशिष्टा होकर श्रीमती राधिका की पाल्य राशि की किंकरी होने के लिए व्याकुल हो जाइए, इतना तक मैं कहना चाहता हूँ। प्रभुपाद जी के अंतिम शब्द थे ये, प्राय अंतिम शब्द, राधा जी का जो पाल्य राशि भाव, इतना उन्नत भाव जो है, इसको गुरु महाराज जी ने शिरोधार्य किया, प्रभुपाद जी के मनोविष्ट को उन्होंने समझा, जाना, हृदय में उसकी उपलब्धि करके संपूर्ण जगत में उन्होंने इस वस्तु का प्रचार किया। इसलिए श्रीला गुरुपाद पद्म कौन है? वो श्री चैतन्य महाप्रभु के इस प्रेम धर्म में दीक्षित महा महावरान्य गुण से सुशोभित गुरुपाद पद्म है। शिला गुरु महाराज जी की जय। इसलिए गुरु महाराज जी के चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन है। आज हम लोगों ने इस कथा का, ऐसे दिव्य विचारों का गुरु महाराज जी की कृपा से गुरु महाराज जी ने सूत्रपात करा दिया है। सूत्रपात समझते हैं? आज सूत्रपात करा दिया है, इसलिए आप लोग प्रतिदिन बड़े उत्साह के साथ में परिक्रमा करेंगे, और जैसा गुरु महाराज जी कहते थे, अभी हम सुन रहे हैं, नवदीप के नागरिया घाट में डूबो और ब्रज में केशी घाट में बाहर आ जाओ, ये नवदीप तो ऐसा है। इसलिए श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद इस बात को कह रहे हैं, आराधितम नववनम ब्रज काननम ते नाराधितम नववनम ब्रज एव दूरे। जिन्होंने नवदीप धाम की आराधना की है उनके द्वारा ब्रज धाम की आराधना स्वाभाविक रूप में हो गई, और जिन्होंने नवदीप धाम की आराधना नहीं की, और जिन्होंने नवदीप धाम की आराधना नहीं की उनके द्वारा ब्रज की आराधना भी नहीं हुई। इसलिए हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं, बड़े ही सौभाग्यवान गुरुपाद पद्म के अनुगत में हम लोग गौर प्रेमानंदे। इसलिए हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं, गुरु महाराज जी के अनुगत में हम लोग इस नवदीप धाम में उपस्थित हैं, बड़े उत्साह के साथ में परिक्रमा करेंगे प्रतिदिन, और संध्या के समय में हरि कथा में आकर के बैठेंगे, क्योंकि यदि हरि कथा नहीं सुनी, कानों से धाम का दर्शन नहीं किया, वास्तव में धाम का दर्शन नहीं होगा। इसलिए अभी हमारे बीच में हमारे बड़े प्रिय गुरु भ्राता श्रीपाद विजय कृष्ण प्रभु जी भी, और देखिए एक बड़ी विशेष बात अभी महाराज जी ने स्मरण करा दी, नित्यानंद प्रभु जी जो है ना वो साक्षात धाम स्वरूप है नो निताई विजय भाई राधा कृष्ण पाई दे नाई दृढ़ करी धरो निताई पाए। दृढ़ रूप से नित्यानंद प्रभु जी के चरणों को पकड़ने के लिए कह रहे हैं, बिना नित्यानंद प्रभु जी की कृपा से राधा कृष्ण की प्राप्ति नहीं होगी, महाप्रभु की प्राप्ति नहीं होगी, धाम की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए हम लोग 8 तारीख को नित्यानंद प्रभु जी के धाम एक चक्रा धाम में जाएंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु जी संन्यास ग्रहण करके सीधे कहाँ पहुंच गए? राड़ देश। नित्यानंद प्रभु जी के आविर्भाव स्थली 3 दिन वहां भ्रमण करते रहे। इसलिए नित्यानंद प्रभु जी के स्थान पर जाने से क्या होगा, और वो भी ठीक गौर पूर्णिमा से 1 दिन पहले, बड़ा विशेष सुयोग है, हमारी ये नवदीप मंडल गौड़ मंडल की परिक्रमा संपूर्ण हो जाएगी। इसमें जो लोग जाना चाहते हैं वो अनिरुद्ध प्रभु जी हमारे हैं, खड़े होकर बता दो, इनके साथ में संपर्क कर लें। जो लोग एक चक्रा जाना चाहते हैं अभी से यदि नाम लिखा देंगे ठीक ठीक रूप में व्यवस्था हो जाएगी। महाराज जी बता रहे हैं उसके लिए 500 रुपए अनुकूल है, बस की व्यवस्था प्रसाद की व्यवस्था होगी उसके लिए। आप ये अनिरुद्ध प्रभु जी से संपर्क कर लें, जितनी शीघ्र आप नाम लिखवा देंगे उतनी अच्छी व्यवस्था हो जाएगी। बिना नित्यानंद प्रभु की कृपा के कुछ नहीं मिलने वाला भाई, इसलिए बड़े उत्साह के साथ में नाम रजिस्टर करा दो। और कल हम प्रातःकाल शांतिपुर और अंबिका कालना जाएंगे, अंबिका नदी का स्थान है शांतिपुर, जिनकी आराधना से महाप्रभु जी जगत में आविर्भूत हुए, हम लोग उनको प्रणाम करने जाएंगे। उसके पश्चात अंबिका कालना जाएंगे, वहां की कथा हम वही बतलाएंगे। अभी श्रीपाद विजय
संकल्प के पश्चात में सबसे पहले देवानंद घोड़िया बढ़ जाएंगे परम गुरु जी को प्रणाम करने, शिलावाहन को स्वयं महाराज जी को प्रणाम करने, उसके पश्चात गंगा घाट जाएंगे, संकल्प करके यहाँ पर आकर आप लोग प्रसाद पालेंगे और बड़ी शीघ्र बस के बस वहाँ पर खड़ी होगी, आप लोग उपस्थित हो जाएंगे। अभी हम लोग श्रीपाद विजय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। आराधितो न भवनं व्रजकाननं ते नाराधितो न भवनं व्रजैव हि दूरे। आराधितो द्विजसुतं व्रजनागरस्ते नाराधितो द्विजसुत नन्दवेह कृष्ण। नमो महाभदन्याय कृष्ण प्रेम प्रधायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गोरद्विषे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सो रहे सब सो रहे। पहले अपने परमाराध्यतम गुरुपाद प्रथम नित्रीला प्रविष्ट हो विष्णुपाद अच्युत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गुरुस्वामी महाराज जी के श्री चरणारविंदों में अपने अनंत पूर्ण साष्टांग प्रणाम समर्पित करता हूँ। उनकी कृपा भिक्षा मानते हुए समस्त गौड़ी रूपानक्ष गुरुवर्गों के चरणों में भी बार 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 उनकी कृपा भिक्षा मानते हुए पंचासी परम पूज्य पाद श्री श्रीमद भक्तिवेदांत श्रीधर महाराज गुरु भ्राता श्रीपाद संजय प्रभु एवं अन्य अन्य समस्त वैष्णव वैष्णवी सबके चरणों में मेरा हितायुक्त प्रणाम। हम लोग परम सौभाग्य से यहाँ पर श्री नवद्वीप धाम में उपस्थित हैं श्री गुरु वैष्णवों के चरणों में। ये हम लोगों का परम सौभाग्य है। जैसे पूज्य श्री महाराज जी ने भी कहा, बाद में श्रीपाद संजय प्रभु ने भी बहुत सुंदर तरीके से गुरुदेव की महिमा उन्होंने व्यक्त की। श्री उद्धव जी ने बहुत सुंदर प्रसंग विशेष रूप से श्री गुरुदेव का ये भाव, जो लोग पहले यहाँ पर पधारे होंगे वो निश्चित रूप से समझ रहे होंगे कि श्री गुरुदेव भी निश्चित रूप से इस धाम परिक्रमा के समय इन विषयों को जरूर वो छेड़ते थे। सब लोगों को चैतन्य महाप्रभु का जो वैशिष्ट है, महाप्रभु का जो कृपा है, प्राधान्यता है, इसके बारे में जरूर सब लोगों को कहते समझाते, इस धाम की महिमा को व्यक्त करते और इस प्रकार से सबको श्री ब्रज धाम तक लेके जाते। तो इसलिए बहुत ही सुंदर श्री गुरुदेव के भावों का यहाँ पर प्रकाशित हो रहा है। तो इसलिए इन विषयों को हमें विशेष रूप से क्या है समझना है। श्री गुरुदेव बड़े ही सुंदर रूप से नवद्वीप धाम की महिमा को कहते थे, उद्धव जी की महिमा को सुन रहे थे हम लोग। श्री उद्धव जी ने क्या कहा, जब धाम में गए उस समय उद्धव जी ने ये कहा कि एता परम तनुप्रितो भूमिगोपवद्भो गोविंद एव निखिलात्मनि रूढ भाव वांछन्ति भवभयो मुनयो वयं च किं ब्रह्म जन्मभिर् अनंत कथा रहस्य। श्री उद्धव जी ने कहा कि धिक्कार है, हमारे जैसे व्यक्ति मनुष्य जीवन के धिक्कार है,
यदि किसी का मनुष्य जीवन धारण करना सफल है तो कौन है? ये गोपियां ही है। इनका ये मनुष्य शरीर धारण करना, इनका जीवन सफल है। क्यों सफल है? गोविंद एव निखिलात्मनि रूढ भावा, जो सर्वांतर्यामी रूप में गोविंद जी सबके भीतर जो विराजमान है, मुंशी गोविंद देव के प्रति इन गोपियों का क्या है? केवल प्रेम नहीं, स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव रूढ़ वो वाला रूढ़ भाव इन गोपियों का कृष्ण के प्रति है। इनका जीवन सफल है के प्रति जो इनका प्रेम है, वैसे ही प्रेम को प्राप्त करने के लिए क्या मुनिगण, क्या नारदादि ऋषिगण, मेरे जैसे ब्रह्मचारी भी वो भाव को प्राप्त करने के लिए सब समय वो लालायित रहते हैं। और दूसरी ओर ब्रह्मा जी जैसे बड़े लंबे जीवन आयु प्राप्त करके भी क्या लाभ, जिसमें विविध प्रकार के संसारिक क्रियाओं में ही समय निकल गया, किंतु ये ब्रज भाव ब्रज प्रेम को समझने का हमको सुयोग नहीं मिला। तो इस प्रकार से उद्धव जी जिस भाव के लिए तरसते हैं और कहते हैं आशा मोह चरण देर श्याम अपि श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलत औषधि नाम, क्या मैं कभी इस ब्रज में इस वृंदावन में लता पता घास भी बन जाऊं? तो इस प्रकार से उद्धव कौन है? उद्धव आप लोगों ने सुना श्री कृष्ण के बहुत ही प्रिय है, इतना प्रिय है श्री कृष्ण ने कहा कि हे उद्धव तुम मेरे जितने प्रिय हो, इतना प्रिय तो ना ब्रह्मा जी मेरा बेटा ब्रह्मा है, ना मेरे मित्र सका शिव जी है, ना मेरे भाई श्री बलदेव प्रभु है, ना मेरे आदि है, और ना ही मेरा ये श्रीअंग इतना प्रिय नहीं है उद्धव जितना तुम मेरे लिए प्रिय हो। वो जो प्रिय है कृष्ण के लिए वो उद्धव जी ब्रज में जाके क्या कह रहे हैं? मुझे इस ब्रज में इन गोपियों के भाव को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर यदि मैं घास लता पता भी मैं बन जाऊं और इन ब्रज गोपियों का धूल मेरे सर पर लग जाए, और जिससे कि मैं कभी ना कभी ये जो घमंड है मैं ही प्रिय हूँ मैं ही श्रेष्ठ हूँ ये निकल जाए, और इन गोपियों की विशेष कृपा से मुझे वो गोपियों का जैसा रूढ़ भाव मुझे मिल जाए, मेरे जीवन सार्थक है। तो उद्धवादि महापुरुषगण भी इस प्रकार जो भाव प्राप्त करते हैं, वो भाव प्राप्त यदि करना है तो केवल और केवल चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा के बिना, ये नवद्वीप धाम के विशेष कृपा के बिना वो कभी भी संभव पर नहीं है। महाराज जी ने कहा कि कोई कोई ब्रज भाव को प्राप्त करने के लिए बहुत लंबे समय तक तपस्या की, ये पद्म पुराण आदि में इसकी विस्तार रूप से व्याख्या है, कहा है पार्वती पाताल खंड में पूछा शिव जी से आप ये बताओ कि कोई तो महात्मा भाव करने के लिए मेहनत किया हो, तो शिव जी ने कहा हाँ है। तो पार्वती जी ने पूछा कि ये कृपा करके बतलाइए कि कौन कौन है, तो शिव जी ने तब ये बताया, बहुत सारे लोगों का नाम बताया, उसमें एक व्यक्ति का नाम है कि बृहत्तप, उसने सात कल्पों तक, सात ब्रह्मा जी का एक दिन को कहते हैं कल्प, इस प्रकार से सात कल्पों तक केवल पत्ता खा करके ये गोपाल मंत्र जो है, गोपाल मंत्र को जापते हुए सखी भाव यानी श्री राधा श्री कृष्ण के सखी बनने की भावना से श्री राधा कृष्ण की उपासना की, तो सिद्धि सात कल्प करके उस व्यक्ति को प्राप्त हुआ। हम तो दो दिन भी जैसा महाराज जी कह रहे थे दो दिन के बाद ही हम जाते हैं, ये तो ब्रह्मा जी का तो बताओ समझो कलयुग बीत गया, सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया, द्वापर बीत गया, और इस प्रकार से ये चारों युग 1000 बार बीत गया, और इस प्रकार से मतलब आप समझो साथ साथ मतलब 14 बार बीत गया, तब जाके साथ कल्प का समय आता। इतने लंबे समय के बाद जाकर के कृष्ण ने कहा ठीक है मेरे पास
फिर एक और व्यक्ति का नाम बताया कटी तपन, उसने क्या की, वो भी दो कल्प में तीन कल्प में जाकर के ये ब्रज के दुर्लभ भाव को उन्होंने प्राप्त की। तो प्रकार से श्री पद्म पुराण में हम देखते हैं कि बहुत सारे भक्त जन हैं इस ब्रज भाव को प्राप्त करने के लिए बहुत उन्होंने मेहनत की है, फिर भी कई बार मिलता भी नहीं है, बहुत साधन के बाद मिलता है। तो इसीलिए कोई भी साधारण व्यक्ति इस ब्रज के इस निगुणतम भाव में प्रवेश करना चाहता है, संभव पर नहीं। तो हम पूछ सकते हैं क्या इस ब्रज में, क्या इसके जो भाव है निगुण भाव है, इसमें प्रवेश करने के लिए क्या कोई शॉर्टकट है? शॉर्टकट है कि नहीं है? तो कहते हैं शॉर्टकट है। क्या है वो शॉर्टकट? केवल चैतन्य महाप्रभु के चरणों को पकड़ेंगे तो ये 7 कल्प 10 कल्प 15 कल्प या 2 कल्प का जो समय है, या 60 हजार महाराज जी जो कह रहे थे इतना लंबे समय हमको तय करना नहीं पड़ेगा, महाप्रभु की कृपा से या महाप्रभु के जो कृपा पात्र हैं वैसे महापुरुषों की विशेष कृपा से हम शीघ्र। गुरुदेव कहते 100 जन्म भी लगा लो तो भी कुछ भी नहीं है, बहुत कम समय में ही हम लोग वो ब्रज भाव को प्राप्त कर सकते हैं। इतनी दया है चैतन्य महाप्रभु की, इतनी दया है। तभी रूप गोस्वामी पाद जी ने प्रयागराज में सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करते ही दूर से ही दंडवत प्रणाम करते हुए लेट गए वहीं पर। क्यों लेट गए? कहने लगे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। तो समझते हैं कृष्ण प्रेम का मूल्य, कृष्ण प्रेम का गुरुत्व श्री रूप गोस्वामी पाद जी समझते हैं। कितनी महंगी वस्तु है हम लोग नहीं समझते हैं, हम लोग हीरा सोना चांदी के मूल्य तो समझते हैं किंतु कृष्ण प्रेम के मूल्य को नहीं समझते हैं। 100 रुपए 1,00,000 रुपए 1,00,000 रुपए के मूल्य तो हम समझते हैं, कृष्ण प्रेम का क्या मूल्य है? क्या वो जो वस्तु हमें दिया जा रहा है वो क्या है, उसका जो गुरुत्व है वो हम लोग नहीं समझते हैं। तो इसलिए हम लोग लाइटली ले लेते, सीरियस वाला चीज नहीं बन पाता। क्या दिया इन्होंने, क्या हमको दिया? रे वहां गए, कमरा मिला ले, प्रसाद मिला ले, उन्होंने ऐसा किया वैसा किया तैसा किया। अरे जो चीज बांटा जा रहा वहां रुचि नहीं है, जैसा कह रहे थे महाराज जी, वो बैग लेके डोलना यहाँ वहां ये शॉपिंग करके चले गए। अरे नरदीप तो भीड़ भाड़ है यार, क्या मिश्री दही मिष्टी दही और रसगुल्ला, वो रसगुल्ला तो ठीक है, ये रसगुल्ला को हम खो देते हैं। तो इसलिए ये जो महत्व है इस चीज का हम नहीं समझ पाने के कारण हम इस चीज को गुरुत्व नहीं देते हैं, किंतु रूप गोस्वामी पाद जी इस चीज का वैल्यू समझते हैं। तभी उन्होंने कहा नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। हे चैतन्य महाप्रभु आप जैसे परम दयालु नहीं है, आपने मुझे कमरा नहीं दी, आपने मुझे कंबल नहीं दी, आपने मुझे दवाइयां नहीं दी, आपने मुझे धन दौलत नहीं दे दी, नौकरियां नहीं दे दी, ये सब नहीं दे दी, आपने दिया तो क्या दिया, क्या दिया आपने? जो वस्तु दिखाई देता है, जो वस्तु दिखता है वो तो दिया नहीं, और जो वस्तु नहीं दिखाई देता वो वस्तु महाप्रभु ने दिया। क्या दिया? कृष्ण प्रेम प्रदायते, वो जो गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उस प्रेम को चैतन्य महाप्रभु ने बड़े ही सहज रूप से उन्होंने योग्य पात्र को प्रदान की। तो इसीलिए श्री गुरुदेव का ये विचार बड़े सुंदर रूप से सुन रहे थे हम लोग, जब तक चैतन्य महाप्रभु की कृपा नहीं होगी, जब तक चैतन्य महाप्रभु की कृपा नहीं होगी, कृष्ण के चरणों की प्राप्ति, राधा जी के चरणों की प्राप्ति किसी भी समय में हमको हो ही नहीं सकेगा, इसको गांठ बांध करके रख लो। तभी श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने बड़ा क्या श्री चैतन्य
चंद्रामृतम में क्या क्या बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा यदा यदा गौर पदारविंद विंदेत भक्तिमृत पुण्य राशि तदो तदो उत्सर्पते अकस्मात राशि। तो श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी ने बड़े सुंदर रूप से कहा कि जैसा जैसा चैतन्य महाप्रभु के चरणों में कृत पुण्य राशि न जाने श्री गुरु वैष्णवों की सेवा के फलस्वरूप श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में जैसी जैसी भक्ति और मति आएगी न जाने क्यों बिना किसी कारण के ही न जाने क्यों उतने ही परिमाण में राजा जी के चरणों में भी ये हमारी मति जो है दौड़ते हुई वहीं पर पहुंच जाएगा बिना प्रयास के बिना मेहनत के बिना साधन के। किंतु केवल चैतन्य महाप्रभु के चरणों में मति और भक्ति जैसी जैसी हम करेंगे वैसे वैसे ही या उतने ही परिमाण में श्री राजा जी के चरणों में भी निष्ठा भक्ति सेवा भावना और बाल्यदासी बनने की भावना जग सकती है। और दूसरी ओर चैतन्य महाप्रभु की कृपा यदि चाहिए चैतन्य महाप्रभु के चरणों में भक्ति यदि चाहिए वो कैसे मिलेगा जब तक उनके जो प्रिय पार्षद है श्री गुरुदेव श्री गुरुवर गजन समस्त जो वैष्णव है जब तक इनके चरणों के रज में हम डूब न जाए झुक न जाए और धूलि न बन जाए तब तक चैतन्य महाप्रभु के चरणों में भक्ति संभव पर नहीं है। तो इसीलिए इन महापुरुषों के चरणों में जब तक हम झुकेंगे नहीं जब तक इनकी कृपा भिक्षा करेंगे नहीं तब तक महाप्रभु की कृपा नहीं मिलेगी। ये नवदीप धाम की भी कृपा हमको नहीं मिलेगी। ये नवदीप धाम और वृंदावन धाम में कोई भेद नहीं है फिर भी चैतन्य महाप्रभु एवं श्री नवदीप धाम बड़े दयालु हैं। यहाँ किसी प्रकार के दोष का विचार नहीं है यहाँ किसी प्रकार के अपराध का विचार नहीं है जहाँ बड़े सरल चित्त से किसी ने यदि हा निताय हा गौर हा नवदीप धाम करके सरल चित्त से भी यदि किसी ने कह भी दिया वैसे व्यक्ति को भी भले ही तत्व ज्ञान नहीं है भले ही बहुत साधन किया नहीं है फिर भी ये चैतन्य महाप्रभु ये नवदीप धाम उसको श्री कृष्ण ब्रज धाम में प्रवेश करने के लिए योग्यता और प्रेम प्राप्ति के लिए पात्रता उनको प्रदान कर देते हैं। तो इसीलिए जो लोग साक्षात रूप से राधा कृष्ण को ब्रज धाम को प्राप्त करने के लिए मेहनत और प्रयास करते हैं वो बड़े ही मूर्ख हैं निर्बोध हैं और उनको पता नहीं है कि चैतन्य महाप्रभु कितने दयालु हैं। तो ये नवदीप धाम कितने के दयालु हैं वैसे लोगों को नहीं पता है। तो किसी ने श्री प्रभुदानंद सरस्वती पाद जी ने कहा है कि मैं बार बार हे भक्तजन मैं बार बार आपके निकट में प्रार्थना करता हूँ कि सकलमेव विहाय दूरा कर्म ज्ञान योग तपस्या और विविध प्रकार के मत कोई तो साई बाबा का कोई स्वामीनारायण कोई विवेकानंद का कहते कि सकलमेव विहाय दूरा कोई किसी चीज में कुछ नहीं रखा है चैतन्य चंद्र चरणे कुरुता अनुराग हमारे चैतन्य महाप्रभु जो कि साक्षात श्री कृष्ण है इनके चरणों को छोड़ के इधर उधर कहां कहां मन को लगा रहे हो कहीं भी कुछ भी नहीं है चैतन्य चंद्र चरणे कुरुता अनुराग यदि चैतन्य महाप्रभु के चरणों में भक्ति की प्रेम की तो क्या होगा साक्षात राजा जी के श्री ब्रज धाम में प्रवेश करने का प्रेम प्राप्ति जो प्रेम उद्धवादि के लिए ब्रह्मा शिवादि के लिए भी जो प्रेम दुर्लभ है उसको प्राप्त करने का सुयोग मिलेगा। और ये सब तब तक संभव पर नहीं है जब तक श्री गुरु वैष्णव विशेष करके श्री गुरुपाद पद में जैसे रस के पात्र साक्षात रस के विग्रह साक्षात राधा जी के दासी के प्रतिमूर्ति स्वरूप गुरुपाद पद्म जैसे
रसिक भक्तों के चरण में हम लोटपोट नहीं खाएंगे। तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुदृते न लभ्यते। जब तक इस प्रकार के महापुरुषों के चरणों में हम लोटपोट नहीं खाएंगे, इनके कथा रूपी जो विचार भावना को जब तक हम ग्रहण करेंगे नहीं, तब तक इस नवदीप धाम में, इस महाप्रभु के महावदान्य वाली इस लीला में, इस कृपा में और इस ब्रज धाम में कभी भी हमको प्रवेश अधिकार, कितना मेहनत कर लो, कितना साहस कर लो, कितना कुछ कर लो, हमको मिल ही नहीं सकता है। तो इसलिए श्री गुरु वैष्णवों के चरण ही सब कुछ है। श्री गुरु वैष्णवों के चरणों में हम यदि धूल भी बन जाए, जन्म जन्मांतर इनके ऋणी बन के नौकर बन के भी रहे तो भी जीवन सार्थक है। जब इनकी मर्जी होगी, जब इनकी मर्जी होगी, तब हमें ये चैतन्य महाप्रभु की ये प्रेम प्रदान करें। जब इनकी मर्जी होगी तब हमें श्री वृंदावन धाम के प्रवेश अधिकार प्रदान करें। जब इनकी मर्जी होगी तब राधा जी के चरणों की सेवा की प्राप्ति हो। इसलिए श्री गुरु वैष्णव ही सर्व सर्वस्व है। जो श्री गुरु वैष्णवों को छोड़ के इधर उधर जाते हैं, कभी भी इस ब्रज भाव में और इसकी सेवा में कभी भी मति और भावना मन में जग ही नहीं सकता है। इसलिए हम लोग बार बार श्री गुरुपाद पद्म के चरणों में बार बार यही प्रार्थना करते हैं कि आददानस्तिनम दन्ते इदम याचे पुनः पुनः श्रीमद् नारायण पदाम्बोजो दुनिश्याम जन्मनी जन्मनी जन्म जन्मांतरों में इस प्रकार के रस के पात्र साक्षात रस विग्रह स्वरूप श्री गुरुपाद पद्म के चरणों में धूली बन के दासानुदास बन करके जीवन सार्थक नहीं हुआ तो जीवन हमारा व्यर्थ है, बेकार है। हम 10 जगह की बात सुनते हैं, 10 जगह की चीजें सुनते हैं, किंतु जब तक कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियता मति कुतोपि लभ्यते, कृष्ण रस से भावित मति जो है ये कहां से मिलेगा। जब तक इस महापुरुष के उस भावित मति वाली वाणी को जब तक हम श्रद्धा सुमन के साथ अपने कानों से भीतर, तब तक कृष्ण में इस प्रकार के अनुरागमय भक्ति नियमात्मक ही रहेगा। हाँ ठीक है, करना है, हाँ 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 चलिए, स्वाभाविक भक्ति मन में जग नहीं सकता है। इसलिए इन महापुरुषों की विशेष कृपा जरूरी है। इस रूपानुधार जिस धारा में हम लोग स्थान प्राप्त किए हैं, कृपा करके मंत्र दीक्षा के द्वारा स्थान दिए हैं, तो इस धारा में जिन्होंने प्रवेश करने के लिए थोड़ी बहुत चेष्टा की है वो बड़े ही सौभाग्यशाली है। किंतु हम इस धारा में प्रवेश करके भी यदि इन भावों को हमने स्वीकार नहीं किया, मैं तो समझता हूँ कि हम इस धारा में नहीं है, हम रह के भी कहीं दूर हैं, किसी दूसरी भावों में हैं। कितना सुंदर ब्रज भाव है, कितनी सुंदर माधुर्यता है, उसको छोड़ के हम कहाँ जाएं, क्या करें, वैसी कथाओं को नहीं सुनने से है? क्या लाभ है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी ने कीर्तन में नहीं कहा है? ये हाँ जी, किसका वाला नहीं, ये वाला इरादा हाँ, श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी ने कहा श्री राधा कृष्ण के ये मधुर ये विचारों को ना सुनी लो मोरकान। हाँ हे नो राधा गुणगान, ना सुनी लो मोर कान, वंचित करी लो मोर विधि। ये नरोत्तम दास ठाकुर जी के ये सब विचार है। भले ही हमारे अंदर योग्यता नहीं है, भले ही हम इसके पात्र नहीं है, किंतु वो रस का बूंद यदि जिह्वा पे यदि किसी समय हमारे ऊपर यदि चिंता भूटा भी लग जाए, फिर वो योग्यता, वो तत्व ज्ञान, वो पात्रता कुछ नहीं, वो तो पागल हो जाता है उसके पास। बस हमें उस रस चाहिए है? वो कहते हैं ना, ये रस मदिरा मदादि मत्ता, हमें वो रस पात्र, वो रस चाहिए, वो केवल श्री गुरु वैष्णवों के चरणों में ही प्राप्त है। तो इसके हम लोग बार बार यही प्रार्थना करेंगे, चैतन्य महाप्रभु की दया, नवदीप धाम की दया,
रजत धाम की जो स्वरूप है केवल श्री गुरुपाद पद्म श्री गुरुवर को की विशेष कृपा के बिना कभी भी समझ नहीं सकते हैं। वे हमें कृपा करके अपने चरणों में दासानुदास के रूप में भी स्वीकार करें किसी न किसी जन्म में, तो हमारा जीवन सार्थक है। जब उनकी मर्जी होगी तब ब्रज में ले जाए, जब उनकी मर्जी होगी महाप्रभु की कृपा हमें प्रदान करें, जब उनकी मर्जी होगी राजा जी के चरणों की सेवा हमको प्रदान करें। तो इसी के साथ मैं विराम देता हूँ। श्रीपाद पद्म की जय। जो एक चक्र जाना चाहते हैं और अभी उनका आपका नाम यहाँ लिखवा सकते हैं। और हरे कृष्ण